एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू तो खत्म हो चुका है, लेकिन कल आने वाला एक्सट्रीम रूल्स के बाद का पहला मंडे नाइट रॉक एपिसोड, और WWE ने ऑलरेडी इस रॉक एपिसोड को बहुत ज्यादा धांसू बना दिया है, क्योंकि शो की ओपनिंग होने वाली एक WWE टाइटल मैच के साथ में, और बिगी का जो मैच है WWE टाइटल मैच वो अनाउंस हो चुका है। साथ ही में शो पर और भी क्या कुछ चीजें होने वाली है इसको एक छोटा सा रिव्यू करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि कल गोल्डबर्ग भी कर सकते हैं एक बार फिर से वापसी, तो सारी चीजों के बारे में बात होगी। प्लस रोमन रेंज ने भी अपना दे दिया रिएक्शन एक कंट्रोवर्शियल एंडिंग के बाद एक्सट्रीम रूल्स 2021 में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो का फोर्स हम लोग शुरू करेंगे पहले WWE के रॉक के प्रीव्यू के बारे में, जो कि कल का रॉक एपिसोड होने वाला है और एक्सट्रीम रूल्स के बाद पहला WWE का शो होगा। अब शो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि WWE ने यह बात एक्सट्रीम रूल्स के दौरान ही कंफर्म कर दी थी, क्योंकि लैशली ने डिमांड की थी टाइटल रीमैच की, कि वह किसी भी हालत में उन्हें एक बार फिर से टाइटल वापस चाहिए, इसलिए उन्हें चाहिए बिगी आने वाले मंडे नाइट रॉ में। एंड WWE बात पूरी तरीके से कंफर्म करती है कि हमारे WWE चैंपियन बिगी अपना पहला टाइटल डिफेंस करेंगे, और वो फेस करने वाले सिंगल्स मैच में बॉबी लैशली का। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की जो ओपनिंग है वो हमें यही मैच करता हुआ नजर आएगा। WWE ने स्पेशली इस बात को मेंशन की है कि किकिंग ऑफ टुमारो मंडे नाइट रॉ बिगी वर्सेस बॉबी लैशली फॉर WWE टाइटल। तो भाई मजा आने वाला, बात रहती है क्या इस मैच के अंदर इंटरफेरेंस होगी। तभी फिलहाल जो रूमर्स आ रहे हैं सामने उनके अकॉर्डिंग क्राउन ज्वेल के अंदर, जैसा हम जानते हैं गोल्डबर्ग वर्सेस लैशली का मैच प्लान हो रहा है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मैच के बीच में गोल्डबर्ग हमें इंटरप्ट करते हुए नजर आए एंड वो कॉस्ट करें बॉबी लैशली को ये मैच WWE टाइटल के लिए। या फिर साथ ही में ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं सामने कि जो अपने फिनोमिनल वन एज स्टार्स हैं वो मैच के अंदर आके कर सकते हैं इंटरप्शन, क्योंकि गलती से सही लेकिन एक्सट्रीम रूल्स के अंदर लैशली ने उन्हें स्पीयर लगाया था, तो उसका बदला जरूर वो लेना चाहेंगे। तो मे बी गोल्डबर्ग या फिर एज स्टार्स, दोनों में से कोई ना कोई एक सुपरस्टार इस मैच के अंदर इंटरप्शन करने आएगा, और तब जाके जो बिगी है वो इस मैच के अंदर हमें एक बार फिर से टाइटल रिटेन करते हुए नजर आएंगे। बाय द वे अच्छा मैच होने वाला है, और शो की जब ओपनिंग इतनी कमाल की होगी तो मैं उम्मीद जरूर ये करूंगा कि रॉ जो पूरा का पूरा कल शो कमाल का होगा। अब बात रहती है आरके ब्रो के बारे में, तो ऑफकोर्स आरके ब्रो को कल शो के ऊपर न्यू चैलेंजेस मिलने वाले हैं। अनफॉर्चुनेट वे में उन्हें एक्सट्रीम रूल्स के अंदर बुक नहीं किया गया, लेकिन आने वाला क्राउन ज्वेल 2021 का शो तो मे बी आपको एक टैग टीम के अंदर नंबर वन कंटेंडरशिप मैच दिखाई दे सकता है। और जहां तक अभी फिलहाल रूमर्स आ रहे हैं सामने उनके अकॉर्डिंग या फिर हम्बो तो करिए और गार्जे की जो टैग टीम है वो इस मैच के अंदर क्वालिफाई होगी और उनको मिलने वाली टाइटल अपॉर्चुनिटी, या फिर मंसूर और मुस्तफा अली को मिल सकती है टाइटल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि क्राउन ज्वेल शो होने वाले मंसूर होम टाउन हीरो होंगे और WWE जरूर सोचेगी उन्हें बुक करने का। अभी फिलहाल वो टैग टीम के अंदर है, तो मुस्तफा अली एंड मंसूर वर्सेस द आरके ब्रो के बीच जो मैच है वो भी काफी कमाल का होने वाला है, इसलिए मेरे हिसाब से जो पॉसिबल चैलेंजेस आप मान सकते हो वो मंसूर और मुस्तफा अली होंगे आरके ब्रो के लिए और उनकी रॉ टैग टीम टाइटल के लिए। शो के ऊपर एक बार फिर से अलेक्सा ब्लिस और शार्लट फ्लेयर का जो फ्यूड है वो हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। जरूर एक हमें अपडेट मिलेगी लिली को लेकर, जिनके चीथड़े उड़ गए थे एक्सट्रीम रूल शो में, तो देखते हैं WWE यहां पर इसको लेकर क्या कुछ ड्रामा दिखाती है। होप ही करूंगा कि अलेक्सा ब्लिस की जो वाली गिमिक है ना धीरे धीरे करके WWE खत्म सा कर दे, जैसे लिली चली गई तो धीरे धीरे करके जब पुरानी वाली अलेक्सा ब्लिस वापस आ जाएंगी, आई गेस फैंस उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। देखते हैं कल के रॉकी एपिसोड के अंदर लिली को लेकर क्या अपडेट मिलती है, लेकिन डेफिनेटली ये बात कंफर्म है कि इन दोनों का फ्यूड हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। शो पर एक और हमें ओपन चैलेंज दिखाई दे सकता है हमारे करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डेमियन प्रीस्ट की तरफ से। किसी तरीके से उन्होंने जेफ हार्डी एंड शेमस के अगेंस्ट अपनी टाइटल्स रिटेन कर ली, लेकिन हम जानते हैं कि अभी फिलहाल डेमियन प्रीस्ट पूरी तरीके से इंस्पायर है अपने जॉन सीना से। उन्होंने कहा था कि वो टाइटल चैलेंज देते रहेंगे ओपन, और एक बार फिर से मुझे ऐसा लगता है कल के रॉक एपिसोड में डेमियन प्रीस्ट ओपन चैलेंज देंगे, और मजा आने वाला है कौन सा सुपरस्टार इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। ज्यादा कुछ नहीं, बस हमें एक बहुत ही ज्यादा कमाल का मैच जरूर दिखाई देगा नो मैटर उस चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करने आता है। चलो ये तो बात रही कल के मंडे नाइट रॉक एपिसोड के बारे में, देखते कल रॉक के अंदर क्या कुछ होता है। शो मेरे हिसाब से कमाल का होने वाला जब शो की ओपनिंग करेंगे लैशली और बिगी, एंड देखते हैं टाइटल मैच के अंदर किसकी हो पाती है जीत। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर सबसे बड़ी चुनौती थी रोमन रेंस के लिए, उनका आमना सामना था डीमन फिन बैलर के साथ में, जो कि अभी तक मेन रोस्टर में अनडिफीटेड थे। किसी तरीके से रोमन रेंस ने, चाहे लक कह लो या फिर कह लो भाई कोई षड्यंत्र के कारण, हमें किसी तरीके से रोमन अपनी टाइटल रिटेन करते हुए नजर आए। अब मैच के एंडिंग के अंदर रस्सियां कैसे टूट गई ऑटोमेटिक, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है किस तरीके से WWE ने पूरा स्टंट पुल आउट किया। आपको कुछ ऐसी चीजें उस वीडियो में पता लगेंगी जो कि शायद कभी आपने सोची भी नहीं होंगी, तो जिन लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो के बाद जाकर चेकआउट कर सकते हो।
लेकिन बात करते हैं रोमन रेंस के रिएक्शन के बारे में, तो भाई जैसे तैसे करके रोमन ने टाइटल रिटेन किया, उनका आमना सामना होगा क्राउन ज्वेल के अंदर बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ में। लेकिन अभी फिलहाल रोमन रेंस करते हैं वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू में अपना रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं। उसका स्क्रीन शॉट आप लोग देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने, वही विद वन की जो फोटो उन्होंने की है पोस्ट, साथ ही में उन्होंने लिखा है अबव ऑल एल्स हैशटैग एक्सट्रीम रूल्स, यानी कि सबसे ऊपर कौन, सबसे ऊपर रोमन रेंस। रोमन रेंस नंबर वन है, रोमन रेंस टॉप पर है। ये कुछ बातें भी फिलहाल कहना है रोमन रेंस का एक्सट्रीम रूल्स शो के बाद, क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे थे कि मे बी डीमन फिन बैलर न्यू चैंपियन बन जाएंगे और रोमन रेंस हमें हारते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोमन ने किसी तरीके से टाइटल को किया रिटेन। अब देखते हैं क्राउन ज्वेल के अंदर इससे ज्यादा बड़ी उनके सामने कह सकते हैं भाई वो आने वाली है, तगड़ी सी पहाड़ चट्टान आने वाला है। नाम उनका ब्रॉक लेसनर, तो क्या उनके खिलाफ रोमन रेंस टाइटल रिटेन कर पाएंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो मैं ये बात सही मान लूंगा भाई, अबव ऑल एल्स। और आज की ये वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग कर देना नीचे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और हाँ, जिन लोगों ने पता अपना सस्ता सा गेमिंग चैनल है महंगे सब्सक्राइबर के साथ, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद खत्म ही होगी वीडियो, जाके चेकआउट करना, सब्सक्राइब कर देना उसे भी। और बस मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।